पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। हालांकि इस बार उनके बयान से डर साफ झलक रहा है। इमरान खान ने ट्वीट कर कहा कि अगर कश्मीरियों की मदद करने के लिए पाकिस्तान की सीमा से कोई भी LOC पार करता है तो भारत दुनिया के सामने उसे पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामी आतंकवाद करार देता है। बता दें कि बॉर्डर पर भारत की सख्ती की वजह से घुसपैठिए सीमा पार नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना LOC पर लगातार फायरिंग कर घुसपैठियों और आतंकियों की कवर दे रही है, लेकिन भारत की चौकसी के चलते घुसपैठिए बॉर्डर पार नहीं कर पा रहे हैं। जिन आतंकियों ने भी POK से भारत की ओर आने की कोशिश की वे सेना के जवाबी हमले में मारे गए हैं। भारत की कड़ी कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इमरान खान ने कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों की पैरवी करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से कश्मीरियों की मदद के लिए कोई बॉर्डर पार करता है तो भारत दुनिया के सामने उसे पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामी आतंकवादी करार देता है। इमरान खान ने झूठ का पुलिंदा खड़ा करते हुए कहा कि कश्मीर में 2 महीने से लोग अमानवीय हालत में रहने को मजबूर हैं। हालांकि पाकिस्तान इस सच को मानने को तैयार नहीं है कि जम्मू कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं। भारतीय सेनाओं की सख्ती से बौखलाए इमरान खान ने कहा कि कश्मीर में भारत अपना नैरेटिव दुनिया के सामने चलाने की कोशिश कर रहा है। LOC पर भारत के जोरदार जवाब से पाकिस्तान डरा हुआ है। पाक PM ने ट्वीट कर कहा कि अगर कोई सीमा पार करता है तो भारत को बॉर्डर पर जवाबी कार्रवाई करने का बहाना मिल जाता है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।